जो लोग बोलते हैं चुनौती देता हूं उसको कि समाज के बीच बैठ के हरिशन के सामने कहे वो क्या मेरे साथ व्यवहार किया था, चुल्लू भर पानी में डूब के मरना पड़ेगा उसको। वो धमकी ये देते हैं कि बात मेरा मान लीजिए, नहीं मानिएगा तो आपके जैसे एक नेता खड़ा कर देंगे। मतलब कर दो भाई, हम भी वही चाहते हैं। भाजपा विधान परिषद दल के नेता श्री हरीश साहनी जी होंगे, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। विधान परिषद में साहनी साहब को नेता प्रतिपक्ष बीजेपी ने बनाया है, वो भी आदरणीय लालू प्रसाद जी का देन है। बीच बीच में धमकी भी दे देते हैं, वो धमकी ये देते हैं कि बात मेरा मान लीजिए, नहीं मानिएगा तो आपके जैसे एक नेता खड़ा कर देंगे। मतलब कर दो भाई, हम भी वही चाहते हैं कि हमारा समाज का बेटा को प्रधानमंत्री बना दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। आपने हमारा एमएलसी नहीं दिया और किसी निषाद को बेटा दे दिया तो उनको कोई तकलीफ हुआ। चलो ये तो करना चाहिए, मेरा भी लौटाना चाहिए उधार और उनको भी बनाना चाहिए, लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि मेरा छीन कर अपने समाज के बेटा को दे दिया। और रहा उनको नेता बनाना, बनाओ ना, आप समाज का आरक्षण दे दो, हम आपकी बात मानेंगे। तो कभी कभी ऐसा धमकी देता कि आपकी जगह नेता खड़ा कर देंगे, विधान परिषद में एक नेता बना देंगे विरोधी दल का। ले वो बोल लेते हैं, हरी सनी नहीं बोल सकता, इतना गिरा हुआ नहीं है हरी सनी जो बोल ले टीवी पर आकर। जो लोग बोलते हैं चुनौती देता हूं उसको कि समाज के बीच बैठ के हरी सनी के सामने कहे वो क्या मेरे साथ व्यवहार किया था, चुल्लू भर पानी में डूब के मरना पड़ेगा उसको। समाज के वो मेरे पीछे लोगों के बीच जाके बोल रहे, कुछ बोल रहे, ठीक है भैया, करते हो जो करते हो करते रहो, टेंट पहले भी लगाए हैं, लेकिन अब टेंट लगाकर सामर्थ बना तो अब टेंट नहीं पक्का मकान बनाओ। अभी झूठा झूठा बयानबाजी करके अपने समाज को नीचे दिखाने का काम नहीं करेगा, इसलिए कि किसी पार्टी ने पहली बार इतना बड़ा सम्मान दिया है, अतुल साहनी को दिया है, और कहिएगा मेरे वजह से मिला तो मेरा जीवन तो भाई देखिए कि कब से मैं पंचायत अध्यक्ष रहा, जिला अध्यक्ष रहा, जिला परिषद का अध्यक्ष रहा, स्वयं में तो भाजपा का देना भाई पार्टी हमको आज दी है, ऐसा आज दे देता तब ना कोई कहता कि भाई मेरे वजह से। भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है सभी की सहमति से, आज के तारीख से बिहार विधान परिषद के भाजपा विधान परिषद दल के नेता श्री हरीश साहनी जी होंगे, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। बीजेपी तो पिछले कई दिनों से एक्सपेरिमेंट कर ही रही है, कभी किन्हीं को कभी किन्हीं को, तो इससे क्या फर्क पड़ना है। अरे आप जानते हैं, आज अगर उनको विधान परिषद में साहनी साहब को नेता प्रतिपक्ष बीजेपी ने बनाया है, वो भी आदरणीय लालू प्रसाद जी का देन है, लालू जी का देन है कि अब उनको बीजेपी को भी ये याद आने लगे। अच्छा। ये लड़ाई इनके समाज के लिए, मल्ला समाज के लिए किसने लड़ाई लड़ी है, उनके हक और हकूक की लड़ाई जो आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने लड़ी है, ये कोई भुला सकता है, कोई मिटा सकता है। आज जो भी लोग हैं वो देन है आदरणीय लालू प्रसाद जी के, राजनीति के दशा और दिशा जो उन्होंने तय किया है उसका देन है कि आज सम्मान मिल रहा है। तो इसलिए ये सबसे कुछ नहीं होगा, हमारी पार्टी और हमारे नेता, हमारा गठबंधन, तो सभी लोगों को आप जानते हैं कि सभी लोगों को, विशेष करके जो विकास के रास्ते में पीछे छूट गए हमसे, उनको कैसे आगे लाया जाए, कैसे समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को आगे किया जाए, इसी के लिए हकूक की लड़ाई लड़ते हैं। जेडीयू के अंदर हमने बार बार कहा है कि सिर्फ फुटबॉल की स्थिति आगे आने वाले दिनों में और दिखेगी, वहाँ कोई भी एक दो अपवाद को छोड़ दीजिए तो जो भी बड़े नेता हो या नीचे के कार्यकर्ता, कोई जेडीयू के साथ नहीं रहने वाला है। सब लोगों को मालूम हो गया है कि जेडीयू का क्या हर्ष होना है। जिस दिन नीतीश कुमार जी ने निर्णय ले लिया
कि हम अब लालटेन छाप जिंदाबाद करेंगे, बिहार को हम उसी खौफनाक स्थिति में फिर से पहुंचाएंगे जहां 2005 के पहले बिहार था, तो उस परिस्थिति में कौन उस पार्टी में रहने वाला है। तो इसलिए इस स्थिति के कारण आज किसी का बयान, कल किसी का बयान सुनिएगा, तो बारी बारी से सब लोग वहां से हटने वाले हैं, हटेंगे जाएंगे। एक कवायद चल रही है, लेकिन बिहार में जेडीयू इस तरह की दिख रहा है बयान अंदर। एक विपक्षी एकता की कवायद तो दिखाने के लिए है, नीतीश जी को भी मालूम है, महागठबंधन के लोगों को मालूम है कि सबसे अधिक दुर्गति अगर देश भर में कहीं महागठबंधन की होगी आगामी चुनाव में तो बिहार में होगी।